तो मेरा नाम बाबू राम है मैं चंडीगढ़ की तरफ से खेलता हूँ अभी मैं सिक्सटी सिक्स नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में आया हुआ हूँ भोपाल वाली रेंज में और मैं एयरफोर्स में सर्विस करता हूँ मैंने एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया फिफ्टी मीटर में और कल मैंने यहाँ पर फिफ्टी मीटर में गोल्ड मेडल जीता है और टेन मीटर में सिल्वर मेडल आया है यहाँ पर मेरा मेरे को फोर ईयर हो गए हैं मेरे को शूटिंग में आए हुए मैंने तीन नेशनल खेले हैं ये मेरा फोर्थ नेशनल है मैंने ये स्टार्ट करा था 2018 दिसंबर से मैंने स्टार्ट करा था और मैं इसको करना तो शुरू से ही चाहता था लेकिन थोड़ी पैसों की दिक्कत की वजह से वेपन इतने महंगे हैं कॉस्टली गेम है इसी करके इसको थोड़ा लेट शुरू कर पाया मैं हाँ मैं दिल्ली में नेशनल खेला और ये भोपाल में भी खेल के गया हुआ नेशनल इंटरनेशनल खेला एशियन चैम्पियनशिप कोरिया में मैंने खेला वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था आगे प्लान है मेरा ओलंपिक में मेडल लाना है इंडिया के लिए शुरू से यही सपना है मेरा हाँ आने वाले अगले साल में अभी मैं फोर इवेंट खेलता हूँ टेन मीटर ट्वेंटी फाइव मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल सेंटर फायर और फिफ्टी मीटर और नेक्स्ट ईयर से मैं रैपिड फायर स्टार्ट करूँगा रैपिड फायर खेलना है मुझे क्योंकि वो ओलंपिक इवेंट है बाकी जो स्टैंडर्ड सेंटर और फिवरी पिस्टल है वो ओलंपिक इवेंट नहीं है टेन मीटर है और रैपिड फायर है तो अगले साल से मैं रैपिड स्टार्ट करूँगा मेरे को ट्वेंटी टू ईयर्स हो गए हैं एयरफोर्स में सर्विस करते हुए और ये थोड़ा पैसों की दिक्कत की वजह से मैंने लेट शूटिंग स्टार्ट करा मैं पहले भी कर सकता था मेरे को तो बचपन से शौक़ था लेकिन जब मैंने शूटिंग स्टार्ट करी एयर वेपन से करी उधर कोच थे जसविंदर सर और अजय सर थे वहाँ पर बल्टाना जनकपुर चंडीगढ़ के पास ही है जहाँ से मैंने शूटिंग स्टार्ट करी फिर मैं आ गया पॉइंट टू टू में वहाँ पे मुझे अंकुश भारद्वाज कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन्होंने मुझे पॉइंट टू टू सिखाया फिफ्टी मीटर ट्वेंटी फाइव मीटर और सेंटर फायर उन्होंने मेरे को सिखाया तो मैं उसके बाद ये चंडीगढ़ वाली रेंज में मैं प्रैक्टिस करता हूँ चंडीगढ़ पुलिस के अंडर रेंज है वहाँ पर ही प्रैक्टिस करता हूँ मैं और ये वेपन्स जो एयर पिस्टल है वो कम से कम डेढ़ से दो लाख रुपये के बीच में आता है तो जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए इतना एकदम से खरीदना थोड़ा मुश्किल होता है तो कोच ने, ने मेरे को सिखाया कि किस तरीके से हमने पिस्टल पकड़नी है क्या पोजीशन बनानी है शुरू में तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था तो कोच ने मेरे को सिखाया कि कैसे ग्रिप पकड़नी है फ्रंट टिप कैसे देखनी है कहाँ पे देखना है किस तरीके से पोजीशन बनानी है ब्रीथिंग सिस्टम कैसे करना है सब कुछ उन्होंने मेरे को सिखाया उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ खेल यहाँ आया हुआ हूँ उन्हीं की बदौलत मैं इंटरनेशनल बना नेशनल चैम्पियन बना मैं अपने कोच की वजह से और मेरे घर वालों का भी इसमें योगदान है मेरी मदर वाइफ मेरे सिस्टर ब्रदर सारे के सारे मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरी फैमिली जितने भी मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं सब मेरे को सपोर्ट करते हैं जॉब और स्पोर्ट्स को थोड़ा सा मुश्किल होता है फैमिली की वजह से मैं दोनों को कर पा रहा हूँ क्योंकि जैसे मेरी मदर है कुछ फाइनेंशियली दिक्कत होती है वो पेंशनर हैं कुछ पेमेंट मुझे मिलती है कुछ वे पेंशनर हैं तो वो मेरी फाइनेंशियली मदद कर देते हैं और बच्चों को मेरी वाइफ जैसे घर में बोल देती है कि भाई आप जाओ खेलो मैं बच्चों को देख लेती हूँ तो वो देख लेते हैं तो जैसे मेरी ट्वेंटी फोर आवर ड्यूटी होती है एयरफोर्स में मैथ्स में ड्यूटी है मेरी तो वहाँ पे क्या है कि चौबीस घंटे ड्यूटी चौबीस घंटे छुट्टी होती है चौबीस घंटे ड्यूटी के बाद फिर आराम नहीं करता मैं सीधा रेंज आता हूँ वहाँ पे बच्चों कुछ बच्चे भी हैं मेरी अकेडमी है श्री दाताराम मेमोरियल शूटिंग रेंज के नाम से तो उनको भी ट्रेन करना पड़ता है बच्चों को भी और ख़ुद भी उसी टाइम पीरियड में खुद भी आ, करना पड़ता है ट्रेनिंग दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है थोड़ा सा मुश्किल तो होता है लेकिन चल रही है ज़िंदगी नहीं मेरे को लीव नहीं मिलता है थोड़ी मुश्किल पड़ती है जो हमारे ऑफिसर हैं थोड़ा छुट्टी देने में थोड़ी दिक्कत ही होती है बड़ी मुश्किल से मिलती है छुट्टी और मैं सिर्फ इसलिए शूटिंग कर रहा हूँ मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेना चाहता हूँ ओलंपिक में थैंक यू मैंने अभी तक लोकल रेंजेज़ में टेन के मेडल जीते हैं एक इंटरनेशनल मेडल है और दस बारह नेशनल मेडल मैंने जीत रखे हैं जिसमें से गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब मिला के इतने मेडल है मेरे पास आपने है मेडल थे थे हाँ जब कोई अच्छा शूटर मेरी एकेडमी में अच्छा करता है तो अपने मेडल मैं उनको दे देता हूँ ताकि वो मोटिवेट होए और खुश होकर ट्रेनिंग करें तो अपने मेडल अब इतने मेडल फिर रखे रखे ख़राब भी हो रहे ना तो बांटने भी जरूरी हैं अभी 嗯。Uh